चौदह पंद्रह साल के लड़के क्या पत्थर चलाएंगे? आप बताइए, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा दोगे कि जाओ साले को मारो, जाके तो मारेंगे। और गलत काम वालों के जब बुलडोजर चलेगा उनके तो खुजली मचेगी मचेगी। ये जितना दंगा करें उतना ही बढ़िया है, जितने उनका बुलडोजर चलेगा उतने उनका विनाश होगा। वो उनको यही सिखाया जाता है, वहाँ नमाज अदा करो, यहाँ पत्थर फेंको। आगे ना बढ़े, जब ये कमजोर हो जाएंगे तो अपने आप कब्जा कर लेंगे। ये मकसद है। एक हाथ में कुरान लिए हैं, एक हाथ में संविधान। जब अपने पर आए तो संविधान, हिंदुओं की बात आए तो कुरान। हमारा शरिया, हमारा कुरान है, ये क्या है? हिंदू भाईचारा दिखाता है लेकिन मुसलमान भाईचारा नहीं दिखाता है। नमस्कार, मैं मुकेश मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय यूपी के नोएडा शहर में। आज यूपी के अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय का रोड पर आना और फिर पत्थरबाजी करना, पुलिस को निशाना बनाना, गाड़ियों में आग लगा देना, आखिर मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? कुछ लोग हमारे साथ हैं, मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? क्या वजह है? ये गलत है, सराचार पत्थर मार रहा है। और कभी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है तो कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है। इनका मकसद ही है कि दंगा फैलाना। जब कोई सरकार निष्पक्ष काम कर रही है तो इनको पसंद नहीं आ रहा है, और ये सारा काम विपक्ष वाले करा रहे हैं। 14-15 साल के लड़के क्या पत्थर चलाएंगे? आप बताइए, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा दोगे कि जाओ साले को मारो, जाके तो मारेंगे। तो उनको स्वयं दंगा के उसमें झोंका जा रहा है। ये सारे विपक्ष वालों का काम है। जब कोई सरकार लॉ एंड ऑर्डर काम कर रही है उसको करने नहीं देंगे, और जब तक ये विपक्ष वालों की ही दो चार डंडे लगे इन्हीं को अंदर करे, अपने आप कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। योगी जैसे ही बुलडोजर चलाने का नाम लेते हैं ऐसे ही दंगाई फिर सड़क पे आ जाते हैं। वो तो आएंगे क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करेंगे। और गलत काम वालों के जब बुलडोजर चलेगा उनके तो खुजली मचेगी मचेगी। लेकिन वो कह रहे हैं अगर कोई बालक गलती कर रहा है तो उसके पूरे परिवार को सजा क्यों दी जा रही है? क्यों बालक घर से, चोर कहाँ से, घर से पैदा, यहाँ तुम्हारा पेन चुरा लेगा, घर से ही सीखता है। अगर चोर बदमाश लुच्चा लफंगा साला होता है ना, वो घर से ही होता है। ये कमी माँ बाप की होती है कि घर से आप जो है उसको सब बना रहे हो, जाके ईंट पत्थर चला रहा, तो क्या माँ बाप का धर्म नहीं उसको रोकना? कि मासूमों को, नाबालिग को दंगा ही बनाया जा रहा है जबरदस्ती। कौन बना रहा? योगी सरकार बना रही है। योगी सरकार बना रही, योगी सरकार मतलब जबरदस्ती बना रही। लो तुम ईंट पत्थर चलाओ, आके टारगेट बनाओ हिंदुओं को, नाम ले लेके हिंदुओं को मारो, ये बताओ योगी सरकार कर रही है? योगी सरकार तो नहीं कर रही है। 14-15 साल लड़कों पे ईंटा पत्थर कौन पकड़ा रहा? योगी सरकार पकड़ा रही। वो कह रहे हैं हिंदू टोपी लगा करके माहौल खराब। हाँ जरूर, हिंदू तो हर जगह टोपी लगा के नमाज भी पढ़ने जाएंगे, मस्जिद भी हिंदू चले जाएंगे, तो मुसलमान क्यों नहीं मंदिर चले जाते हैं? वो भी चले जाएं, हमें बताइए वो क्यों चले जाएंगे? लेकिन पुलिस ने क्या नुकसान किया जो आज पुलिस पर पथराव किया गया, उसकी गाड़ी में आग लगाई गई, प्रयागराज में घंटों तक पथराव किया? ये जितना दंगा करें उतना ही बढ़िया है, जितने उनका बुलडोजर चलेगा उतने उनका विनाश होगा। इलाज क्या है इन लोगों? इनका इलाज एक ही है बस, इनका बिल्कुल जहाँ से हैं वहीं मिटा दो, बस बात खत्म, अपने आप इलाज हो जाएगा इनका। कमी कहाँ है भैया? कमी कुछ नहीं, कमी ये है कि सर इनको जो भी गलती हो रही है, मतलब ये पथराव करने का ना क्या मतलब था, निपुण शर्मा ने कुछ बोला या किसी ने कुछ बोला, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करो, आप कोई बात करो, पुलिस से बात करो या प्रशासन से बात करो, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट जाओ। ले ये मतलब थोड़ी है कि कहीं भी दंगाई कर दो, दंगा करना तो एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। लेकिन काजी, वहाँ के जो काजी हैं वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलाया गया तो हम कफन बांध करके सड़क पर आएंगे। तो कफन बांध के उन्हें आ जाना चाहिए, आने तो बुलडोजर को झेलें, फिर पूरी सरकार अपना इंतजाम कर देगी कैसे करना कैसे नहीं करना। ये तो मोहम्मद साहब पर को टिप्पणी होती है तो क्या देश में आग लगाने की अनुमति मिल जाती है? अगर कोई किसी के धार्मिक के खिलाफ अगर गलत बयान देता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके ऊपर अगर वो कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो सरकार पे आरोप आप लगा सकते हो। जब उस पर कार्रवाई हो रही है, हम हिंदू हैं तो आप अगर हम पे अगर आप हमारे अगर धर्म को गाली दोगे तो आप गलत कर रहे हो। तो उनके सारे विपक्ष वालों को उनको चढ़ जाना चाहिए कि आप हिंदुओं के धर्म को गाली क्यों दे रहे हो। अगर हिंदू मुसलमान के धर्म की गाली देता है तो उनको बोलना चाहिए कानून का सारा लो संविधान है, आप संविधान को मानते भी हो और आप संविधान को अलग भी कर रहे हो, सब कुछ खुद स्वयं संविधान बन जाते हो, कैसे होगा बताओ? कैसे कह रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने अपने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ना, अगर उन्होंने गलत, नूपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, उसको पार्टी बाहर कर दिया ना, फिर अब क्या उसको फांसी चढ़वा दोगे आप? आप बताओ, हो जाएगा मुकदमा, हो गया जिन्होंने, वो ऐसा नहीं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिन्होंने किसी के धर्म के खिलाफ अगर उन्होंने गलत बयानबाजी दी है उनके सबके खिलाफ मुकदमे हो गए। अगर टिप्पणी नुपुर करती है
पूरे 57 देश एक साथ आकर के विरोध करते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ दिया जाता है, कोई सामने नहीं आता। क्यों आएगा सामने? वहाँ कोई सामने नहीं आएगा, उस जगह पे कोई सामने नहीं आएगा, सामने यहीं आते सारे के सारे, ठीक है। वहाँ कोई सामने नहीं आएगा, वहाँ तो इकट्ठे हो जाएंगे, यहीं से खबरें वहाँ जाती हैं। हमारे देश के जो हम हिंदू हैं ना, एक साथ जुट नहीं होते। हम यहाँ हम मंदिर में जाते हैं ना भाई, कभी हमने अंदर सीखते हैं कि पत्थर मारो किसी पे, नहीं, कभी नहीं सीखेंगे हम। पार्टी नहीं बता, दया हमें दया भावना से रहते हैं हम यहाँ पे लोग। वो उनको क्या सिखाया जाता है कि जैसे ही नमाज, वो उनको यही सिखाया जाता है, वहाँ नमाज अदा करो, यहाँ पत्थर फेंको, बस यही सिखाया जाता है। यही है क्या भाई सब लोग? बिल्कुल यही है। अगर सच्चाई अगर वो इस हिसाब से चले ना, तो आज देश जो है ना सोने की चिड़िया है ना, ये सोने की चिड़िया फिर दोबारा बन जाएगी अगर इस तरह से अगर चलेंगे तो। नहीं, आपको लगता है कि इन नमाज पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, जुमे की नमाज पर पाबंदी? नहीं नहीं, देखो ऐसा किसी के धर्म पे, जुमे की नमाज पर देखिए, अगर जुमे की नमाज उनको उनका धर्म है, करना है वो करें, लेकिन ये नहीं जाके अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ दंगा के लिए उकसाया जा रहा, वहाँ ट्राली भर डाले, ईंट पत्थर इकट्ठा कर दो, ये गलत है ना। आपके मंदिर में हम जा रहे हैं, हमारे पीछे 10 पुलिस तो नहीं जाएगी कि हम मंदिर में क्या करने जा रहे हैं, ना किसी मुसलमान पीछे जाएगी, तो उसको अंदर कौन उकसा रहा है? उनको अंदर करो सबसे पहले बताओ, जो गुरु होता है ना, गुरु अगर सही शिक्षा देना तो सारा देश सही हो जाएगा, और जब गुरु उल्टा देश सिखा रहा है कि भाई ऐसा करो, तुम यहाँ भी नमाज का अदा करो, उसके बाद में जो पत्थर फेंको, ठीक है, ये नमाज नहीं अदा करते, ये तो यही दंगा और मारपीट और दुनिया भर का यही सब करते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई हिंदू मंदिर या मंदिर से और गुरुद्वारे से कहीं से हो करके धर्म स्थल से निकल करके कभी किसी से झगड़ा करते हुए आपने देखा हिंदुओं में? नहीं। इनमें क्यों? इनमें इसलिए कि इनको पैदा होते यही सब सिखाया जाता है, यही सब सिखाया जाता है। तो बताइए, इतने सारे सबूत मिले, सब कुछ निकल के आ रहा, फिर भी तुम कह रहे नहीं मस्जिद है हमारी। अरे भाई मस्जिद क्यों? जो सच्चाई है, कानपुर हिंसा में अगर मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी हुई तो कानपुर में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया गया? निशाना बनाया गया ना, हिंदुओं से तकलीफ क्या है? तकलीफ उनको यही है कि वो चाहते ही नहीं हिंदू राष्ट्र बने या हिंदू यहाँ पे रहें, उनको यही मतलब है कि इनको किसी तरीके किसी षड्यंत्र के चक्कर में फंसा करके उलझा करके और देश को बर्बाद करो, आगे ना बढ़ें, जब ये कमजोर हो जाएंगे तो अपने आप कब्जा कर लेंगे, यही मकसद है। क्या योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है? साजिश भी है, लेकिन ये चाहे जितना षड्यंत्र रच ले ये कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मुंह की खाए हैं हमेशा और मुंह की ही खाएंगे। लेकिन हिंदू समाज क्या करेगा? क्या प्रशासन पर भरोसे में रखेगा या ये भी कभी प्रतिकार करेगा? देखो सरकार बहुत बढ़िया चल रही भाई साहब, अगर इस पे हिंदू समाज या अगर कोई टिप्पणी करता है तो समझ जाओ वो हिंदू नहीं है, वो गद्दार है, जयचंद के खानदान का है जी। कोई हिंदू अगर सरकार के खिलाफ काम करता है या सरकार का साथ नहीं देता है तो समझ लो जयचंद के खानदान को हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। अगर सरकार, योगी सरकार दंगाइयों के खिलाफ में बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात करती है तो लोग उसका विरोध करते हैं? तो विरोध कौन करते हैं? विरोध तो वही लोग करते हैं ना जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाद में पत्थरबाजी करते हैं। विरोध तो कौन करता है? हम थोड़ी ना विरोध करते हैं। बाद अंदर क्या बताया जाता है कि आप अंदर नमाज पढ़िए, इसके बाद में बाहर चलो पत्थर फेंकते हैं, किस लिए? क्यों? क्योंकि एक हाथ में कुरान लिए हैं, एक हाथ में संविधान। जब अपने पर आए तो संविधान, हिंदुओं की बात आए तो कुरान, हमारा शरिया हमारा कुरान है, ये क्या है? ये हिंदुओं के लिए ये क्या है? हैं, मतलब कि एक तरफ आप अपना शरिया लिए हो, एक तरफ कुरान लिए हो। जब कुरान आप जब स्वयं की बात आई तो कुरान दिखा दिए, और जब आपने हक हकूक की बात करेंगे तो संविधान दिखा दिए, ये क्या है? इसको हिंदुओं को और मुसलमानों को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप हिंदुओं के 80% आबादी देश में है हिंदुओं की, और 20% मुसलमान की आबादी है। तो अगर यही अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में क्या हुआ? यही तो हुआ। अगर वहाँ पर माइनॉरिटी को देखो तो ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल माइनॉरिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। 20% पाकिस्तान में थी, आज 6% है। और अपने यहाँ 6% थी, यहाँ पर 20% हो चुकी है। ये क्या हिंदुओं के बीच में रही कि भाईचारा, हिंदू भाईचारा दिखाता है लेकिन मुसलमान भाईचारा नहीं दिखाता है। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज योगी है, योगी बिल्कुल। अरे जो झड़प हुई तो इस सरकार ने क्या दिखाया? तुरंत कार्रवाई। पहले की सरकार क्या करती थी?
मालूम नहीं चलता था कौन सरकार है कौन है, वो उनके उनको हम माला भी पहनाती थी कि आइए आपको हम माला आपका स्वागत करते, मंच पे देखते नहीं थे आप लोग, सभी लोग देखते थे। और आज ये नहीं है, आज अगर आप गलत कर रहे हैं तो आज जेल के पीछे होंगे, नहीं जेल के पीछे होंगे तो फिर मालूम नहीं कहाँ होंगे। कह रहे हैं अगर इसी तरह मुसलमानों को कुचला गया तो हम रोड पर कफन लेकर के आएंगे। मुसलमान खुद कुचल ले हिंदुओं को, मुसलमान खुद कुचल ले हिंदुओं को। अरे अपना ले आएंगे संग तो कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, कफन साथ ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ढाल के माल फूंक दिए जाएंगे वहाँ में क्या है, पैसे खर्च नहीं होंगे सरकार के, ये इलाज है और क्या। बाबा जी आएंगे तो ना बुलडोजर चलाएंगे और कहानी खत्म। मतलब सरकार अब गिरनी नहीं है ये बीजेपी की। अरे मुझे समझ में ये नहीं आता है हमारे मुस्लिम भाइयों को ही प्रॉब्लम क्यों है, ऑल इंडिया में कहीं पे भी चले आइए आप, अगर यूपी की बात करी जाए तो मुसलमान परेशान, हिंदू भाई क्यों परेशान नहीं है, मेरे को समझ में ये नहीं आता। कोई भी कार्य होता है ओनली फॉर मुस्लिम भाई लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई अगर यहाँ मुसलमान हो तो जरा हाथ करिए, कोई यहाँ पे आसपास मुसलमान हो, क्या नाम है आपका? कोई अगर आसपास मुसलमान हो तो हाथ खड़ा करिए। नहीं ना खड़ा करेंगे हाथ, नहीं खड़ा करेंगे ना। क्या समस्या है? समस्या है कि उन लोग गलत काम कर रहे हैं तो समस्या तो है ही। मुसलमान को मुसलमान कहने में दिक्कत है कोई? है मुसलमान अपने आप को मुसलमान, गलत आदमी को मुसलमान कहने में दिक्कत है, जो गलत होगा उसे मुसलमान कहने में दिक्कत है, जो सही होगा उसे मुसलमान कहने में। लेकिन वो कह रहे हैं कि नाबालिगों को जबरदस्ती दंगाई बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? फोटो आ रहे हैं वो कहाँ से नाबालिग हैं? फोटो आ रहे हैं वो जा रहे हैं ना, अब क्यों जा रहे हैं? सिलेंडर करके गए, हमें अंदर कर लो साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। क्या अब पत्थर जो फेंका फोटो तो सामने आ रहा है ना, अब उसमें फोटो जो छाप दिए गए कानपुर में देख लो चौराहे पे, अब वो अपने आप जा रहे थाने में, क्यों जा रहे हैं जब पत्थर नहीं फेंका है तो। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मानंद यादव है। क्या लगता है कि आखिर वजह क्या है कि रोड पर आ जाना जुमे की नमाज के बाद में आना? ये देश को भड़काने का ये प्रक्रिया चालू है मुसलमान भाइयों का, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जब 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो गए थे, उन्हें एक मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने शिकागो में पूरे देश को सबसे पहले कहे थे कि हम सनातन हिंदू धर्म के रहने वाले हैं, हम हमारे देश में चार धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबका स्वागत करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर या हमारे सनातन हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर तैयार होता है तो माला फेरने से पहले उसके हाथ में कटार होना चाहिए, जैसे सुदर्शन, हाँ जैसे कि सुदर्शन चक्र कृष्ण जी के हाथों में है और परशुराम जी के हाथों में फरसा है और योगी जी के हाथों में बलडोजर है। लेकिन शास्त्रों की बात करके शस्त्र को बताना और उधर उस शिवलिंग का अपमान करना कुछ नहीं होता है? अगर पैगंबर पर एक टिप्पणी हो जाए तो पूरे देश आग जलाने। देखिए हम आज भी हम तो पैगंबर जी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, हमारे देश में भी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान भाइयों ने मिल करके हमारे शिवलिंग को कह रहे थे फुवारा है, लेकिन फुवारा उनको नहीं ना कहना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में कमी है, हिंदुस्तान के लोग जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यही आ रही है कि आखिर ऐसी वजह क्या है, जब संविधान पर भरोसा है तो आखिर हजारों की संख्या में वो भी जुमे की नमाज अदा करने के बाद में आखिर दिन शुक्रवार का ही तय क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि अंदर ऐसी अल्लाह की कौन सी इबादत है कि जिसमें किताब इबादत के साथ साथ हाथ में पत्थर आ जाता है।